आजमगढ़ में भू माफियाओं का हौसला बुलंद है और मजबूर व कमजोर लोग अपनी पुश्तैनी व बेनामी भूमि को बचाने के लिए इधर उधर गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से न्याय भी नहीं मिल पा रहा है। इससे उनकी जमीन पर जबरन उनकी आंखों के सामने कब्जा कर लिया जा रहा है। ऐसे की दो मामले आज सामने आए। इसमें कप्तानगंज थाना क्षेत्र और रानी की सराय थाना क्षेत्र से दो पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। शहर से सटे रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोटवा से पहुंचे पीड़ित परिवार के अनुसार उनके रोड के किनारे ही बहुमूल्य जमीन है, जिस पर विवादित भूमि की खरीद फरोख्त करने वाले दलाल पुलिस की मिलीभगत से जबरन कब्जा कर रखे है। उनकी आंखों के सामने थाने का दरोगा बैठकर वहां दावत करता है और पीड़ित परिवार को ही धमकी देकर चला जाता है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इससे मजबूर होकर एसपी के दरबार पहुंचकर न्याय की मांग की है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुधीर तिवारी है, पिता का नाम ललन तिवारी, ग्राम पोस्ट कुसमारा थाना कप्तान ने जिला आजमगढ़ का निवासी है। मामला हमारे चाचा के लड़के जो है कप्तानगंज थाना के टॉप 10 अपराधी हैं। हमारे पिता का अपहरण पहले कर चुके हैं, सजा भी हो चुकी है, 4 बार गोली भी मार चुके हैं। हमारी 11 बीघे जमीन जो है अपन जबरदस्ती गुंडों बदमाशों के साथ धान रोप लिए हैं, उसको हम कब्जा करने जा रहे हैं तो कट्टा लेकर दौड़ा रहे हैं हत्या करने के लिए। एसपी साहब क्या आए हैं, क्या बोले? एसपी साहब बोले हैं चलो ठीक है देखते हैं। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि न्याय हो, हमारी खेती बाड़ी सब मिल जाए। वहीं दूसरा मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कुशमरा का है, जहां पर पीड़ित सुधीर तिवारी ने आरोप लगाया कि थाने का टॉप 10 हिस्ट्री शीटर प्रमोद तिवारी जबरन उनकी पुश्तैनी 11 बीघा जमीन को जोत दिया है। पहले भी वह कई बार हमला कर चुका है और जेल भी जा चुका है, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद फिर वही काम करने लगता है, जिससे पीड़ित परिवार बुरी तरीके से परेशान है। क्या नाम आपका? क्या समस्या है? समस्या यही हमारी जमीन घेरा था, हम गए लड़का नहीं रहे हमार, हर और गए हम गए तो काफी हम मने करे ना माने धमकी दे मारे के तो है के दो तीन के अब हमारे जब घेराते हैं और उनका नाम तो रखे था दीनाना और थाने पे भयल थानेदार आ रात में खोजत रहने हम लोग हम बैठा रहनी कहीं हमारा लड़का नहीं है। हमने ग्राम कुटवा थाना रानी सराय, क्या समस्या आपकी? समस्या हमारी यही है कि हमारी जमीन पे जबरदस्ती भू माफियाओं द्वारा थाने से मिली भगत करके जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। और थाने के एसआई अनुपम जायसवाल आके वहाँ रात में पार्टी भी किए, कल वहाँ बैठ के 1 बजे तक घिरवाए, इसके बाद आज उन्हें फिर सुबह से वहाँ लोग जोड़ कर रहे हैं, घिरा रहे हैं और हम लोगों को मारने की धमकी भी दे रहे हैं। कहाँ जमीन है, कितनी जमीन है, कौन कब्जा कर रहा है? मेरी जमीन कोटवा ग्राम कोटवा में है, सड़क के किनारे मेन रोड से। कितनी है? और जमीन तो हमारी करीब करीब 16 बीघे है, फ्रंट उसका घेर के लोग पीछे की जमीन जबरदस्ती मजबूर करके लेना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमें न्याय मिले। टॉप न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।